भाई उन्होंने अब ये दी है और एक एक्स्ट्रा ड्रिंक भी दी है भाई। हाँ अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। हाँ भाई, आज का सीन ऐसे कि कल रात को अपने साथ एक मतलब के ड्रामा ही हो गया बहुत। कल का दिन भाई ऐसा था कि कल का अपने साथ बहुत ड्रामे हुए, बहुत सी फिल्में भी अपने साथ कर। उसमें से एक फिल्म, एक रात का एक वाक़या शेयर करते हैं आपके साथ, तो अभी वही करने जा रहे हैं। तो रात को अपने साथ ये हुआ था कि रात को मैं आ रहा था भाई बाहर से, सिटी से, तकरीबन 10:30-11 का टाइम था और मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। और उसके अलावा घर में कुछ खाना वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि भाई कल कॉल्स बांध था। वो जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखे वो देख सकता है वीडियो जाके, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, मैं आपको चेक कर सकते हैं भाई जाके आप। तो भाई कॉल्स वगैरह रात को कल बंद था, तो रात को घर में कुछ खाने के लिए था नहीं भाई, तो बनाना पड़ना था, उसमें टाइम लगना था, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो मैंने भाई KFC की ऐप से उनका ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो उसमें मुझे शो कर रहा था भाई ये खुला हुआ है और ये 12 बजे बंद होगा। तो भाई मैंने ऑर्डर वगैरह कर दिया, पे वगैरह सब कुछ मैंने ऑनलाइन कर दी उनको। तो जब मैं पहुँचा उनके तकरीबन 11 बजे का टाइम था और मैं उनके KFC पहुँचा, तो भाई KFC बंद था। तो मैं भाई परेशान, मुझे भूख काफ़ी लगी हुई, मुझे गुस्सा बहुत चल रहा था भाई इस वक्त। अगर ईंट वगैरह पत्थर वगैरह पर होता उन्होंने उठा के शीशे मारने थे उनके, भाई भूख बहुत लग रही थी उनकी। भाई खुशकिस्मत ही है कि बट्टा वगैरह ईंट वगैरह नहीं पड़ी हुई थी निकेज, नहीं तो शीशा उनका टूट जाना था कल भाई। एक मिनट भाई, तो ये सीन था। तो अपने साथ काफ़ी फिल्में हुई हैं कल, तो अभी उनके पास जा रहा हूँ सुबह। मैंने उनको उठकर मैंने उनकी हेड ऑफिस फ़ोन की भाई, पहले तो भाई उनकी कंप्लेन वगैरह लिखवाई, क्योंकि भाई मैंने बताया कि अगर आप नहीं ऑफ हैं, अगर आपके नहीं खुले हुए तो आप ऑर्डर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो और पैसे क्यों काट रहे हो लोगों के। तो ये सीन था। तो उसके अलावा मैंने सुबह ये भी फ़ोन की KFC थॉमस टाउन में जहाँ से ऑर्डर लेना है, मैंने तो उनको कॉल की, मैंने तो कहते हैं कि अपना ऑर्डर आप ले सकते हैं आके, सिर्फ आप अपनी जो ऐप में आपका जो पे किया आपने सिर्फ वो शो कराना है हमें। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं, तो दिखाएंगे आपको क्या सिस्टम होता है। यहाँ से मेरी भी इधर है भाई 5 मिनट की वॉक, उसके बाद मैंने बस पकड़ी और बस सीधा मुझे वहाँ पर जगह उतारेगी KFC। तो चलते हैं, आज नाश्ता भी भाई उसका ही होना है। हाँ भाई, मौसम को बता दें भाई, मौसम रात को था, ये रात को बारिश हो रही थी काफ़ी और आज सुबह थोड़ा सूरज वगैरह निकला है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, तो इसलिए भाई जैकेट जो कुछ पहन कर निकले हैं, क्योंकि मेलबर्न का जो वेदर है ना वो बहुत बेवफा है। मतलब कि शो कुछ और होगा वेदर फोरकास्टिंग में, लेकिन होगा कुछ और, तो बेवफाई बहुत करता है ये, मतलब धोखे बहुत देता है। तो इसलिए भाई अपना इंतज़ाम करके निकलते हैं, क्योंकि भाई मार मूड ना हो जाए। अपडेट भाई कर दिया जाए, मैं बस स्टेशन पहुँच गया हूँ और अपनी बस आने वाली है, फिर बस पकड़ेंगे और निकलेंगे। और उसके अलावा भाई आज तो भाई लेके ही आना है अपने डील कर, क्योंकि भाई $8 दिए हैं, छोटी बात नहीं है, तो $8 आज पूरे कर कर आने हैं भाई। तो देखते हैं क्या सीन होगा, मतलब कि इतना तो है भाई अपने साथ कोई मतलब के ज़्यादती नहीं होगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया भैया में ज़्यादती नहीं होती किसी के साथ, जो आपका है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे चीज़ की बात हो रही है, कुछ और चीज़ की नहीं, जो आपकी है, जो आपके राइड पर है तो आपको मिलेगी भाई चीज़। तो चल, हाँ भाई क्या कहा था आपको, ऑस्ट्रेलिया का वेदर जोन सा है बहुत बेवफा है, तो ऐसे ही हुआ है। पहले जब मैं निकला हूँ घर से, धूप निकली हुई थी, अब देखें बारिश शुरू हो गई है भाई। अच्छा किया ना भाई ना इंतज़ाम करके निकले हैं, ये देखें भाई बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई चेक करें, खरे बारिश भी हो गई है और उसके बाद धूप भी निकल रही है, मेरे खरे खरे मेरे वेट करते करते ये सब कुछ चीज़ें हो गई हैं भाई। ये देखें भाई सूरज बाबा, मैंने हाँ तो भाई मसला हल हो गया। उनको मैंने जाके अपनी ऐप दिखाई और उन्होंने भाई मेरे से माफ़ी मांगी कि भाई सर हम सॉरी करते हैं आपसे, तो हमने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि इस की वजह से हमारे जल्दी बंद हो गया था वो KFC। तो भाई उन्होंने अब ये दी है और एक एक्स्ट्रा ड्रिंक भी दी है भाई, ऑर्डर किया था लेकिन उन्होंने मुझे ये ड्रिंक पेप्सी जो थी उन्होंने वो मुझे एज अ सॉरी के तौर पर दी, और कहते कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और ये सीन है भाई, मैंने पहले बताया था कि भैया हम आपका जो आप अगर आप राइट पर हैं तो आपका राइट नहीं खत्म होगा, आपका हक नहीं मारा जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ आपकी होती है वो आपको मिलेगी भाई। हाँ
हाँ भाई उस वक्त मैं अपना बाइट चला गया था तो टाइम नहीं मिला था व्लॉग एंड करने का, तो अपना ये व्लॉग एंड करते इतना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग तो था नहीं है इसमें, बस थोड़ा बहुत था भाई शुगर ही कह लें आप, और जो हमारी KFC की लड़ाई होते होते बच गई, वो इसलिए बच गई कि उन्होंने भाई ड्रिंक दे दी फ्री, तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं तो भाई मैंने काफ़ी सुनानी थी उनको, तो उनका भी अपना कलो अच्छा उन्होंने कर दिया भाई ड्रिंक दे दी, वो भी खुश हो गए मैं भी खुश हो गया, तो काम सेट हो गया। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव इसमें है नहीं कोई बात, जिसने देखनी हो भाई देख ले वरना मर्जी है आपकी, तो क्योंकि भाई लोग ये ना कहना भाई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, ट्रेन में बैठा हूँ इस वक्त मैं, तो इस वक्त मैं गाड़ी जा रहा हूँ, तो बारिश वगैरह सुबह से हो रही है, टोपी शोपी पहनी हुई है भाई, रेन जैकेट वो पहनी हुई है, तो कुछ बचत हो रही है बारिश की वजह से। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो अब अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रखें, बाय।